बच्चों सिंपल हार्मोनिक मोशन के पार्ट फोर में आज हम बात करने जा रहे हैं फेस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पर। पार्ट थ्री में भी आपने देखा था कि हम ये फाइंड कर सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल किसी पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन पे जा रहा है तो फेस कितना चेंज हो रहा है, और फेस चेंज से हम टाइम चेंज, टाइम कितना लग रहा था वो फाइंड करते थे। ठीक है, पोजीशन में कितना चेंज होता था वो फाइंड करते थे। तो आज हम इसी फेस वाले पार्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें एक बात सीखनी है कि अगर हमें फेज डिफरेंस फाइंड करना हो कोई भी दो पार्टिकल के बीच में, फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, ठीक है, यानी कि दो पार्टिकल होंगे, दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे होंगे, और हमें क्या करना है उनके बीच में फेज डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक, देखो कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह क्वेश्चन को। इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज यहां पर आपके पास एक लाइन है जिस पर एसएचएम हो रहा है, इसमें ये क्या हो गई मेन पोजीशन, ये हो गया ए और ये हो गया माइनस ए। अब देखो हम यहां पर कोई भी दो पार्टिकल कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज यहां पर मैंने एक पार्टिकल लिया जो कि माइनस ए बाय टू की पोजीशन पर है, और एक दूसरा पार्टिकल हम यहां पर ले रहे हैं जो कि प्लस ए बाय टू की पोजीशन पर है, और दोनों पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब इस तरह से मूव कर रहे हैं। ठीक है, दोनों के मोशन की डायरेक्शन दे रखी है। अब आपसे पूछा गया है कि पार्टिकल वन और पार्टिकल टू इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, पार्टिकल वन और पार्टिकल टू के बीच में फेज डिफरेंस कितना है। देखो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए फेज डिफरेंस वाला, तो आप क्या किया करो, किसी एक पार्टिकल को तब तक मोशन कराओ जब तक वो टू के जैसा ना बन जाए, है ना। बदल लीजिए कि आपको वन और टू के बीच में चाहिए, तो आप पार्टिकल वन को तब तक मूव कराओ जब तक कि वो टू जैसा ना हो जाए, और देखो कि इसने कितना फेस कवर किया, वही यहां पर फेस डिफरेंस होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि भाई पार्टिकल वन को तब तक मूव कराओ जब तक वो टू जैसा ना हो जाए, यानी कि सिचुएशन अपने पास ये है कि टू तो पहले से ही यहां पर है। ठीक है, यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि भाई पार्टिकल टू तो ऑलरेडी यहां पर है और इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये तो हो गया पार्टिकल टू, कहां पर है ए बाय टू पर, और पार्टिकल वन कहां से चलेगा, ये जीरो हो गया, ये क्या हो गया माइनस ए बाय टू, यानी पार्टिकल वन चलना स्टार्ट कर रहा है माइनस ए बाय टू से इस डायरेक्शन में। अब मैंने आपसे कहा कि किसी भी एक पार्टिकल को, चाहे आप टू को चलाएं या वन को चलाएं, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं अभी, पहले पार्टिकल वन को मूव करा रहा हूं, टू को कुछ मत करो, पार्टिकल वन को तब तक मोशन कराओ जब तक कि वो टू जैसा ना बन जाए। तो एक बात बताओ, पार्टिकल वन अगर यहां से चलेगा तो जब तक वो यहां तक नहीं पहुंचता पार्टिकल वन, तब तक ये टू जैसा नहीं बन पाएगा, यानी कि वन को माइनस ए बाय टू से चलते 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 प्लस ए बाय टू तक पहुंचना होगा, तब जाके ये टू के बराबर हो पाएगा, यानी कि इतना चलने के बाद वन और टू दोनों आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वन ने कितना फेस कवर किया है टू जैसा बनने में, तो आप ये कह सकते हो भाई कि जैसे ये कितना है, ये जीरो, ये वन बाय टू, यानी कि ये कितना हो गया 30 डिग्री, और ये भी कितना है 30 डिग्री, यानी कि वन ने कितना डिस्टेंस या कितना फेस कवर किया है। तो आप कहोगे वन ने टोटल 60 डिग्री का फेस कवर किया है, यानी कि वन और टू के बीच में जो फेज डिफरेंस हो गया वो कितना हो गया 60 डिग्री, या फिर पाई बाय थ्री। ठीक है, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा कि देखो कि वन कितना चल रहा है, कितना फेस कवर करने के बाद टू जैसा बनेगा, तो वन 60 डिग्री का फेस कवर करने के बाद टू जैसा हो जाएगा, यानी कि वन ने 60 डिग्री का फेस कवर किया, इट मीन्स वन और टू दोनों के बीच में 60 डिग्री का, यानी कि पाई बाय थ्री रेडियन का फेस डिफरेंस है। ठीक है, एक तो ये। अच्छा मान लीजिए कि आपके दिमाग में ये आता कि नहीं हम वन को मोशन नहीं कराएंगे, हम तो टू को मोशन कराएंगे, हम टू को मोशन कराएंगे जब तक ये वन जैसा ना बन जाए, तो ध्यान से सुनो, एक तो ये अप्रोच हो सकती है। दूसरी क्या है कि मान लीजिए किसी के दिमाग में आया कि नहीं हम वन को तो वहीं रखेंगे, है ना, वन को तो वहीं रखेंगे, जैसे वन को माइनस ए बाय टू पर ही रखेंगे और टू को मोशन कराएं जब तक कि वो वन जैसा ना बन जाए। तो एक काम करो भाई, टू कहां पर है, ये तो जीरो हो गया, ये क्या हो गया ए बाय टू। अब सपोज टू यहां पर है, थोड़ी देर के लिए ऐसे समझो टू यहां पर है, अब आपने क्या किया, वन को कुछ नहीं किया, टू को मोशन कराना स्टार्ट किया, तो देखो टू तो पहले इधर जा रहा है, अब टू अगर अपनी ही डायरेक्शन में जाए, ये देखो ए और ये क्या हो गया माइनस ए, तो टू पहले इधर जाएगा, फिर यहां से लौटेगा, फिर ये यहां पर आएगा, फिर ये यहां से लौटेगा, तब ये वन जैसा बन पाएगा। देखो अगर टू को वन के जैसा बनना होगा तो
तो भाई टू पहले इधर जाएगा फिर यहां पर आएगा, लेकिन अभी इधर जा रहा है तो फिर लौट के जब यहां आएगा तब ये टू जो है वो वन के बराबर हो पाएगा। यानी कि वन अगर टू को चलना हो तो टू इतना कवर करने के बाद वन की बराबरी कर पाएगा। तो अगर यहां पर आप देखो कितना फेज डिफरेंस है, तो जरा ये देखो ये कितना होता है 30 डिग्री, जीरो और ए बाय टू के बीच में 30 डिग्री, जीरो और ए के बीच में 90 डिग्री। तो अगर कोई ए बाय टू से ए जाएगा मतलब कि वो कितना फेस कवर कर रहा है 60 डिग्री। इसी तरह से यहां पर अगर आता है तो कितना कवर कर रहा है 90 डिग्री, फिर यहां से यहां पर आता है तो कितना कवर कर रहा है 90 डिग्री। और बताओ जीरो से ए बाय टू ये कितना होता है 30, जीरो से माइनस ए बाय टू भी 30, ये 30 ये पूरा 90 तो ये कितना 60, मतलब 60 यहां भी। तो अगर आप टोटल देखो कि 2 ने कितना फेस कवर किया, तो 2 ने कितना फेस कवर किया 60 प्लस 90 प्लस 90, तो 60 को लिख दो पाई बाय 3, 90 90 दो बार आया तो पाई, और ये फिर से कितना हो गया पाई बाय 3। तो अगर आप देखो तो ये जो टोटल अपने पास आएगा, ठीक है ये टोटल अपने पास कितना आ जाएगा भाई 3 एलसीएम ले लो, यहां पर कितना आ जाएगा ये तो 2 हो गया और ये कितना 5 भाई, 2 ये हो गया 3 हो गया 5 पाई बाय 3 हो गया। अब ध्यान से समझना जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा है, अगर मान लीजिए कोई बच्चा इसको ऐसे करता है कि 1 कितना चले कि 2 जैसा हो जाए, तो 1 को कितना चलना पड़ रहा है 60 डिग्री। यानी कि यहां से आंसर देगा तो कहेगा 1 और 2 के बीच में 60 डिग्री का फेज डिफरेंस है। लेकिन अगर किसी ने यह अज्यूम कर लिया कि 2 को तब तक चलाओ जब तक कि वो 1 जैसा ना हो जाए, तो 2 को कितना चलना पड़ रहा है 5 पाई बाय 3। तो यानी कि इसके हिसाब से देखें तो 2 और 1 के बीच में 5 पाई बाय 3 का फेज डिफरेंस है। तो देखो करना क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखो तो पहले वाला जो आंसर आया है और जो दूसरा वाला आंसर है इनको ऐड करोगे तो 2 पाई आना चाहिए। देखो एक तो पाई बाय 3 हो गया, एक हो गया 5 पाई बाय 3, तो ये कितना आ गया 6 पाई बाय 3। यानी कि इसको क्या बोल सकते हो 2 पाई। यानी कि अगर 1 चल रहा है पाई बाय 3 2 तक पहुंचने के लिए, 2 जैसा बनने के लिए, तो 2 को कितना चलना पड़ेगा 5 पाई बाय 3, और दोनों का सम करोगे तो कितना आ जाएगा 2 पाई। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी फेज डिफरेंस की बात करें आप मिनिमम वैल्यू बोला करो, ऐसा नहीं कि ये आंसर गलत है, ये भी सही है, बट अगर चार ऑप्शन है तो जनरली हम इसे प्रेफर करेंगे जो स्मॉलर होगा। भाई जैसे एक मान लीजिए मैंने कहा कि कोई भी एक एंगल अगर 60 आ गया तो बचा हुआ कितना होगा भाई 360 में से माइनस कर दो यानी 300 होगा। तो सिंपल सा इस तरह से आप आंसर दे सकते हो अपना, ठीक है जो भी स्मॉलर है आप उसी को सिलेक्ट किया करो। ठीक, मैंने ये दोनों इसलिए बताया ताकि आप समझ जाओ कि भाई दोनों का सम कितना आ रहा है 2 पाई आ रहा है। इसका मतलब मान लीजिए आपने कोई भी एक आंसर फाइंड किया तो 2 पाई में से माइनस करके देख लो, जो स्मॉलर हो वही आंसर टिक कर दो। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं कि ये गलत है, ये भी सही है। ठीक है, ये ऐसा क्यों आ रहा है, देखो जैसे मान लीजिए कि अगर आप दो वेक्टर लें, बड़ी सिंपल सी बात है, मान लीजिए दो वेक्टर आप लेते, तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा 360 माइनस थीटा, या फिर 2 पाई माइनस थीटा बोल सकते हो। ठीक है, तो अगर ये थीटा है तो ये कितना है 360 माइनस थीटा, तो आप ये बोल सकते हैं इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो थीटा भी हो सकता है 360 माइनस थीटा भी हो सकता है। बट जब भी चूज करना हो आप हमेशा किसको सिलेक्ट करो जो स्मॉलर एंगल मिल रहा है। ठीक है, तो नोट डाउन करो, फिर इस पे क्वेश्चन लेते हैं थोड़े बहुत। अब देखो यहां पर एक अपने पास क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि पार्टिकल 1 और 2 के बीच में कितना फेज डिफरेंस है। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि किसी एक पार्टिकल को रोक दो और दूसरे पार्टिकल को तब तक मोशन कराओ जब तक कि वो पहले जैसा ना हो जाए। ठीक है, अब इसके लिए क्या करोगे, देखो दिमाग में आपके दोनों बातें आ सकती हैं कि भाई हम 1 को चलाएं 2 को रोक के 1 को चलाएं, या 1 को रोक के 2 को चलाएं। तो आप कुछ भी एक काम कर लो, कोई भी एक काम करके फेज डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, और फिर बाद में देख लेंगे कि वो वैल्यू जो आपने फाइंड की वो स्मॉलर है या 360 में माइनस करने के बाद स्मॉलर आ रहा है। ठीक है, चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक काम करता हूं 1 को चलाता हूं। ठीक है, देखो यहां पर अगर आप देखो तो जो पार्टिकल 2 है वो कहां पर है, रूट 3 बाय 2 पर है, है ना, रूट 3 बाय 2 पर है, और किस तरफ जा रहा है, टूवर्ड्स मेन पोजिशन, ऐसे जा रहा है, ये 0 हो गया। अच्छा, पहला पार्टिकल अगर हम देखें तो वो कहां पर है, माइनस ए बाय 2 पर है, मतलब यहां पर है, और ये पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये पहला पार्टिकल हो गया, ये दूसरा पार्टिकल हो गया। अब हमें क्या करना है, पहले पार्टिकल को तब तक मोशन कराओ जब तक कि वो सेकंड जैसा ना बन जाए। ठीक है, तो आप एक काम करो इसके लिए, ये देखो ए हो गया और यहां पर क्या है, माइनस ए। तो अगर पार्टिकल ए चलना स्टार्ट होगा तो देखो पार्टिकल इधर जा रहा है तो पहले तो इधर जाएगा, फिर ये यहां तक पहुंचेगा, फिर यहां से जब लौटेगा तब जाके टू के बराबर पहुंचेगा। बात समझ में आ रही, पहला पार्टिकल पहले यहां तक गया, फिर यहां से लौटा, लौटने के बाद जब इधर आ रहा था तब देखो ये टू के बराबर हो गया,
यानी कि 1 को 2 के बराबर होने में इतना चलना पड़ा। अब ये देखो ये फेस कितना है, तो देखो ये 0, ये 0 मतलब कि यहां से लेके यहां तक कितना हुआ, ये 30 डिग्री, यानी कि हो गया 30 डिग्री। फिर 0 से लेके a तक कितना हो गया, 90 डिग्री। फिर a से लेके √3/2, जरा समझना, ये होता है 60, ये कितना होता है 60, ये पूरा कितना होता है 90, ये सब मैं आपको बता चुका हूं पिछले पार्ट में। तो ये कितना हो गया 30, यानी 30 और ऐड कर दो इसमें। तो बच्चों टोटल अगर आप देखो तो कितना इसको चलना पड़ा, a को कितना चलना पड़ा, फेस डिफरेंस का एक ऑप्शन अपने पास क्या, 30 + 90 + 30, 30 मतलब पाई बाय 6, 90 मतलब पाई बाय 2, फिर 30 मतलब पाई बाय 6, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 2, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, 5π/6। अब देखो एक तो आ गया 5π/6, तो दिमाग में ये भी आपको आ रहा होगा कि अगर 2 को चलाते तो कितना चलना पड़ता। तो हमें एक काम क्या करो, जैसे एक ऑप्शन ये है, अब 2π में से माइनस कर दो, भाई एक तो आ रहा 5π/6, 2π में से माइनस कर लो। अगर मैं 2π में से 5π/6 माइनस करूं तो भाई अपने पास कितना आना चाहिए, ये आ जाएगा अपने पास 7π/6। तो देखो एक आपके पास ऑप्शन है 5π/6, एक ऑप्शन है आपके पास 7π/6, है दोनों ही सही, लेकिन फिर भी हम किसको प्रेफर करेंगे, जो स्मॉलर आंसर होगा, यानी कि हम यहां पर बोलेंगे कि जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है बिटवीन 1 और 2, तो आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए, कितना फेज डिफरेंस है, 5π/6। क्यों, क्योंकि दो में से जो स्मॉलर है, हम 7π/6 को यूज नहीं करेंगे, हम किसको यूज करने वाले हैं, किसको सिलेक्ट करेंगे, 5π/6 को। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, एक और चलो एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए अपनी। देखो यहां पर सपोज ये ओरिजिन हो गया, ये ए हो गया, ये माइनस ए हो गया, ठीक है, आपको बोला गया एक पार्टिकल है, पार्टिकल 1 जो इस डायरेक्शन में जा रहा है माइनस ए बाय रूट 2 पर है, और एक यहां पर दूसरा पार्टिकल है जो √3/2 पर है और इस डायरेक्शन में जा रहा है पार्टिकल 2। क्या पूछा गया हमसे कि 1 और 2 के बीच में कितना फेज डिफरेंस है। ठीक, बहुत आसान है फाइंड करना, क्या करोगे, 2 को ऐसे ही रखो और 1 को चलाओ जब तक कि ये 2 जैसा ना बन जाए। तो क्या करोगे, देखो पार्टिकल 2 को तो हमने ऐसे ही रखा, कहां पर, √3a/2 पर, है ना, पार्टिकल 2 तो यहां पर है। 1 का क्या कर रहे हैं, 1 को तब तक चलाएंगे जब तक 2 जैसा ना बन जाए। तो देखो ये तो हो गया 0, ये क्या हो गया, -a/√2। अब देखो 1 को यहां से चलाना स्टार्ट किया, चलते 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 यहां तक पहुंचे, अब देखो 1 2 जैसा बन गया, तो यहां से यहां तक बताओ 1 ने कितना कवर किया, तो ये 0, ये √2, मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये 45 डिग्री हो गया, ये फेस कितना हो गया 45, अच्छा 0 √3/2 मतलब 60 डिग्री, तो आंसर क्या आएगा 45 + 60, यानी कि जो फेज डिफरेंस आप बताओगे वो यहां पर कितना बताओगे, 45 मतलब पाई बाय 4 और 60 मतलब पाई बाय 3, तो ये बच्चों आ गया 7π/12। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, 7π/12 का फेज डिफरेंस होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया फेज डिफरेंस वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे टाइप के क्वेश्चन और देखते हैं। अब जो देखो अपने पास एक तो सिंपल से क्वेश्चन थे कि इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाना है कितना टाइम लगेगा, उसको हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में कंप्लीट किया था। फिर अभी हमने क्वेश्चन कौन सा किया कि दो पार्टिकल दिए होंगे, आपसे पूछेगा फेज डिफरेंस क्या है, तो फेज डिफरेंस कैसे निकालना है, किसी एक पार्टिकल को तब तक मोशन कराएं जब तक कि वो दूसरे की तरह ना बन जाए, और आप फेज डिफरेंस वहां से फाइंड कर सकते हो। अब जो लास्ट इसका जो टाइप है वो है कि आपसे पूछता है, जैसे मान लीजिए कि यहां पर ये 0 हो गया, ये ए और ये माइनस है, ठीक है, अब आपसे क्या पूछेगा कि कोई भी दो पार्टिकल यहां पर आपको दे देगा, जैसे मान लीजिए कि एक पार्टिकल यहां पर है -a/2 पर और वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा पार्टिकल है सपोज यहां पर √3a/2 पर, वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। अब आपसे क्या पूछेगा कि ये दोनों पार्टिकल किस टाइम पर मीट करेंगे, यानी ये दोनों पार्टिकल कब, मतलब वो पोजीशन ऐसी जरूर होगी ना भाई, ये इधर आ रहा है ये इधर आ रहा है, तो कभी ना कभी तो मीट करेंगे, कभी ना कभी कोलाइड करेंगे, तो आपसे पूछ रहा है ये किस टाइम पर कोलाइड करेंगे या किस टाइम पर मीट करेंगे। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, ध्यान से समझना, करना क्या है, अब इसमें यह मत करना कि एक को चला रहे हैं दूसरे को रोक दिया, नहीं, जब भी क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि मीट कब करेंगे, तो आपको क्या करना है, दोनों पार्टिकल को अपने अपने पाथ पर आगे बढ़ने दो, दोनों पार्टिकल को अपने अपने पाथ पर आगे बढ़ने दो, ठीक है, और देख लो कहां पर मीट कर रहे हैं, देखो कैसे करना है इसको सॉल्व।
सो जो कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये कहां पर है, माइनस ए बाय टू पर है, और जो दूसरा पार्टिकल है वो कहां पर है, रूट थ्री ए बाय टू पर है, ठीक है। एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इधर। अब बताओ मैंने क्या बोला, दोनों को अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ने दो। तो सोचो अगर ये अपने पाथ पर आगे बढ़े तो ये तो ऐसे जाएगा ना, ऐसे देखो ऐसे जा रहा होगा अपने रास्ते पर ऐसे, और अगर ये अपने पाथ पर आगे बढ़े तो कैसे जा रहा होगा, तो ये अपने पाथ पर आगे बढ़े तो ऐसे जा रहा होगा, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। और दोनों के पाथ को ज्वाइन कर दिया करो, यानी कि अगर ये अपने पाथ पर आगे बढ़ता तो ये ऐसे जा रहा होता, ये अपने पाथ पर आगे बढ़ रहा होता तो ऐसे जा रहा होता, सोचो कहीं ना कहीं तो मिलते। अब मुझे ये नहीं पता कि यहां पर मीट करेंगे, यहां पर मीट करेंगे, यहां पर मीट करेंगे, यहां पर मीट करेंगे, जहां पर भी मीट करेंगे दोनों मिल करके तो इतना ही कवर करेंगे ना, या कहीं भी बीच में कहीं भी मीट करें, लेकिन ये बात कंफर्म है कि दोनों मिल करके इतना कवर कर रहे हैं, दोनों मिल करके इतना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों जब भी मीट करेंगे, कहीं भी मीट करेंगे, टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, तो आप बोलोगे कि भाई कुछ ये डिस्टेंस चलेगा, कुछ ये, दोनों मिलकर के इतना डिस्टेंस कवर करेंगे, मतलब ये जो पूरा है, जब तक ये पूरा कवर नहीं कर लेंगे तब तक मीट नहीं कर पाएंगे। तो देखो हमें यहाँ डिस्टेंस की तो जरूरत नहीं, हमें यहाँ फेस की जरूरत है। बताओ दोनों ने मिलकर कितना फेस कवर किया है, तो आपको पता है भाई ये जीरो हो गया, ये ए बाय टू है, मतलब इधर कितना डिफरेंस है 30 डिग्री का। अच्छा जीरो रूट थ्री बाय टू में कितना डिफरेंस है 60 डिग्री का, यानी दोनों मिलकर के कितना कवर कर रहे हैं 90 डिग्री, भाई यही तो आएगा ना ये टोटल, दोनों मिलकर के कितना कवर कर रहे हैं 90 डिग्री। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं टोटल फेस कवर्ड बाय बोथ पार्टिकल्स, या फिर ऐसे लिख सकते हो कवर्ड बाय पार्टिकल वन प्लस टू, यानी कि पार्टिकल वन और पार्टिकल टू ने मिलकर के कितना फेस कवर किया है। तो एक बात बताओ दोनों ने मिलकर कितना फेस कवर किया है, अभी हमने क्या निकाला 90 डिग्री यानी पाई बाय टू रेडियन। अब जरा बात समझना ध्यान से, इन जनरल हम अगर बोला जाता है क्वेश्चन के अंदर आपको ये कि दोनों पार्टिकल सेम टाइम पीरियड के साथ SHM कर रहे हैं, यानी कि हम क्या बोलते हैं कि जो टाइम पीरियड है दोनों पार्टिकल के, ठीक है, वो सेम है, मतलब कि T1 जो है वो किसके इक्वल है T2 के, दोनों के टाइम पीरियड सेम है। अच्छा एक बात बताओ, अगर टाइम पीरियड सेम है इसका मतलब क्या है, उनके ओमेगा भी सेम होंगे, यानी कि उनके ओमेगा यानी ओमेगा 1 किसके इक्वल होगा ओमेगा 2 के। अब टाइम पीरियड सेम है यानी कि ओमेगा सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि जिस रेट से पहला पार्टिकल फेस कवर करेगा उसी रेट से दूसरा पार्टिकल फेस कवर करेगा, ठीक है, यानी दोनों फेस सेम रेट से कवर करेंगे। इट मींस कि जितना भी टोटल फेस कवर करना होगा उसका हाफ एक पार्टिकल कवर करेगा और हाफ दूसरा पार्टिकल कवर करेगा, क्योंकि फेस तो दोनों सेम रेट से कवर कर रहे हैं, सेम रेट से फेस कवर कर रहे हैं, इसका मतलब कि जो भी टोटल फेस है उसका आधा, बताओ टोटल फेस कितना कवर करना है पाई बाय टू, तो उसका आधा हाफ यानी पाई बाय फोर रेडियन कौन कवर करेगा बाय पार्टिकल वन, ठीक है, और रिमेनिंग पाई बाय फोर कौन कवर करेगा बाय पार्टिकल टू। बात समझ, जैसे 90 कवर करना है तो 90 में क्या होगा 45 पहला पार्टिकल कवर करेगा और 45 दूसरा पार्टिकल कवर करेगा, यानी कि टोटल फेस जो पाई बाय टू है उसमें पाई बाय फोर पार्टिकल वन ने किया और पाई बाय फोर पार्टिकल टू ने किया। अब जरा एक पॉइंट और समझो, पाई बाय फोर रेडियन अगर पार्टिकल वन ने किया तो कितना टाइम लगेगा, तो हमें पता है पार्टिकल वन का टाइम पीरियड क्या है टी, पार्टिकल टू का भी टाइम पीरियड कितना है टी, सोचो इतना फेस कवर करना है तो कितना टाइम लगेगा। क्या मैंने आपको बताया था कि टाइम निकालना, तो क्या करो टी ऊपर टू पाई नीचे, टी ऊपर टू पाई नीचे, और कितना फेस कवर करना है वो लिख दो यहां पर पाई बाय फोर, तो पाई से पाई गया कितना आया टी बाय एट, तो डायरेक्ट आप आंसर यहां निकाल सकते हो भाई, अपने पास आंसर क्या आया टी बाय एट टाइम पर दोनों पार्टिकल मीट करेंगे। कब मीट करेंगे टी बाय एट टाइम पर दोनों पार्टिकल मीट करेंगे। अच्छा हम तो ये तक बता सकते हैं कि कहां मीट करेंगे, देखो मैंने क्या बोला टोटल कितना कवर करना है 90, इसका मतलब 45 ये चलेगा और 45 डिग्री ये चलेगा, सोचो अगर ये 45 चले तो 30 चल करके तो कहां पर आएगा मेन पोजीशन में, यानी थोड़ा और यहां पर कहीं, मतलब 15 डिग्री और आगे, 30 ये और 15 और, यानी 45 चल करके ये, और देखो ये 60 पर है तो अगर 45 चलेगा तो ये भी यहीं पर आ जाएगा, तो यहां पर कहीं मीट करेंगे जहां पर फेस 15 डिग्री होगा, ठीक है। खैर बहुत सिंपल सी बात है, तो कैसे सॉल्व करना है आपको, दोनों को अपने अपने पाथ पर आगे बढ़ने दो, फिर देखो टोटल कितना फेस कवर करना है,
जितना टोटल फेस कवर करना है उसका हाफ कर लो, हाफ पार्टिकल वन करेगा, हाफ पार्टिकल टू करेगा। अब उस हाफ फेस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, नोट डाउन करो, फिर एक दो क्वेश्चन और इस पर करते हैं। अब बच्चों यहां पर जरा क्वेश्चन समझिएगा क्या है, इसमें बोला है कि बोथ पार्टिकल्स एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद सेम टाइम पीरियड एंड सेम एम्पलीट्यूड, यानी दोनों पार्टिकल सेम एम्पलीट्यूड और सेम टाइम पीरियड से सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। आपको क्या फाइंड करना है, आपको वो टाइम फाइंड करना है जब दोनों पार्टिकल एक दूसरे को मीट करते हैं, मतलब ये पार्टिकल कब मीट करेंगे ये पूछ रहा है। देखो इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत केयरफुल रहना है, मीट वाले क्वेश्चन जब भी आएंगे ना, कहां पर मीट कर रहे हैं, कहां पर कोलाइड कर रहे हैं, कब एक दूसरे की पोजीशन से पास हो रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा याद रखो दोनों पार्टिकल को अपने पाथ पर आगे बढ़ने दो, आपको बिल्कुल कुछ डिस्टर्ब नहीं करना है, दोनों को अपने अपने पाथ पर आगे बढ़ने दो। तो ये बताओ जैसे ये सिचुएशन है, ठीक है, क्या सिचुएशन है भाई अपने पास कि यहां पर ये SHM वाली लाइन है, तो एक पार्टिकल तो देखो अपना यहां पर है, कहां पर, रूट 3a/2 पर, ठीक, और दूसरा पार्टिकल कहां पर है, -a/2 पर है। अच्छा डायरेक्शन देखो क्या है, एक पार्टिकल की डायरेक्शन ये है, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर बनाते हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छे समझ में क्या है, ये मैं थोड़ा सा ऊपर बना देता हूं, ये इधर जा रहा है, ये पार्टिकल वन और ये पार्टिकल कौन सा है, टू। अब मैंने क्या बोला, इनको अपने अपने पाथ पर आगे बढ़ने दो। अब जरा समझना, सोचो अगर पार्टिकल टू, ये पोजीशन ए हो गई, सोचो ये पार्टिकल टू है ना, ये पार्टिकल टू है, ये पार्टिकल वन है। अगर पार्टिकल वन अपने पाथ पर आगे बढ़े तो ऐसे ही तो बढ़ेगा, ये इधर जाएगा, सोचो कि पार्टिकल टू है ही नहीं तो वन कैसे चलता, ऐसे चलता, ये इधर जाता फिर इधर जाता फिर ऐसे लौट के, समझ लो ना ऐसे। अच्छा सोचो अगर पार्टिकल टू केवल होता तो उसका मोशन कैसा होता, कि भाई पार्टिकल टू अपने रास्ते पर ऐसे जाता ऐसे जाता ऐसे जाता और फिर ऐसे चला जाता, बोले यही तो होता ना। और वन का पाथ कैसा होता, वन का पाथ ऐसा होता ऐसे जाता ऐसे जाता ऐसे जाता फिर लौट के आता। तो ध्यान से देखो कि दोनों के पाथ आपस में मिल गए ना भाई, देखो टू ऐसे जाएगा फिर यहां तक पहुंचेगा फिर लौट के आ रहा होगा, वन अगर जाता अपने रास्ते पर तो ऐसे जाता ऐसे जाता ऐसे जाता यहां पर लौटता, इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि भाई पार्टिकल वन अगर चलता तो वो इस तरह से इधर जा रहा होता और पार्टिकल टू अगर चलता तो वो इस तरह से इधर जा रहा होता, यानी कि ये कंफर्म है कि ये इधर जाके ऐसे जाता ये इधर जाके ऐसे जाता, तो कंफर्म है दोनों बीच में ही कहीं ना कहीं मीट करेंगे, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर कहीं भी मीट करेंगे, इसी रास्ते में कहीं ना कहीं मीट करेंगे। तो आप बस ये देख लो कि दोनों को मिल करके कितना कवर करना है फेस। तो चलो यहां से देखना स्टार्ट करते हैं, 0a/2 है ना, 0 और a/2 मतलब इधर कितना आ गया, यहां से यहां तक कितना आ गया, 30 डिग्री, ठीक है। अब इसको हटा दो यहां से, बताओ 0 से a तक कितना, 90 डिग्री, और ये भी 30 डिग्री होगा, क्यों भाई, ये 60 ये 90 तो ये 30, तो बताओ कितना हुआ, 30 + 90 + 30, यानी कि जो टोटल फेस जो कवर करना है वो कितना आया भाई, 30 + 90 + 30, रेडियन में लिखना है, π/6 π/2 और π/6। अब बताओ π/6 π/6 कितना हुआ, π/3 + π/2 कितना हुआ, 5π/6। अब दोनों को मिलके कितना चलना है, 5π/6। तो एक बात बताओ, ये जो 5/6 है ये दोनों को मिलकर के कवर करना है ना, यानी कि कोई एक पार्टिकल कितना कवर करेगा, इसका हाफ, यानी कि 5π/12 कवर करेगा 1 और 5π/12 कवर करेगा 2। बात समझ में आ गई, यानी आधा 1 करेगा आधा 2 करेगा। अब बताओ अगर आधा पार्टिकल 1 ने किया तो टाइम कितना लगेगा, टाइम का मैंने डायरेक्ट तरीका भी आपको बताया था कि भाई पाई हटा के टी और नीचे वाले टर्म को डबल, क्या करोगे, पाई हटा के टी और नीचे वाले टर्म को डबल, तो ये आ गया टोटल टाइम, यानी कि 5t/24 का टाइम लगेगा जब ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे से मीट करेंगे। तो आई होप कि ये पूरा लेक्चर आपको बच्चों अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आप इस टेक्निक से क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो बहुत कम टाइम में जल्दी से जल्दी आप आंसर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो आप अच्छे से इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, इनको रिवाइज करें और क्वेश्चन इस तरह के करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।